मलप्रा आगरा, हम आपके साथ सच के साथ, अब नहीं छुपेगा कोई अपराध। नमस्कार दोस्तों, मैं चोप सिंह सक्सेना। छाता सुगर मिल को चालू करवाने के लिए राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने की महापंचायत। रविवार को राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले छाता के डाक बंगला में एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष बुद्धा सिंह प्रधान ने कहा, क्योंकि सरकार इस चीज़ को देख चुकी है और बड़ी गंभीर स्थिति किसान के सामने है। एक गंभीर स्थितियों में देखा जा रहा है कि हर 8 घंटे में किसान की एक मृत्यु हो रही है, चाहे वो जहर खाकर मर रहा हो, चाहे फांसी के फंदे पर झूलकर। ऐसी स्थिति में ये महसूस करना चाहिए इन सरकारों को, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर 1 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हम लोग पैदल चलकर हरिद्वार पहुँचे थे। तब उसमें यह नहीं था कि हम दिखावा कर रहे हैं। जो छाता शुगर मिल है, इस पर बड़े लंबे अरसे से आंदोलन होते आए हैं, बार बार वादा करते रहे हैं सरकारों को कि सरकार किसानों के दर्द को पहचाने और उनके हित में काम करे। अगर किसानों का दर्द नहीं पहचाना तो बड़ा बुरा हाल होगा। बहुत जल्द अब छाता शुगर मिल को चालू करवाने की घोषणा सरकार द्वारा करनी चाहिए, अन्यथा इस तरह का आंदोलन करने जा रहे हैं कि हम सरकार को विवश कर देंगे और हो सकता है अगर बलिदान की भी आवश्यकता पड़ी तो हम बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इसी दौरान सभा को संबोधित करते हुए ब्रज प्रांत अध्यक्ष दीपक चौधरी ने कहा कि सरकार को सिर्फ झूठ बोलने के सिवा और कुछ नहीं आता, वह सिर्फ झूठ दिखावा कर रही है। अगर जल्द से जल्द बजट नहीं आया तो 2019 के में ये वही हाल होगा जैसा अब 5 राज्यों में भाजपा का हुआ है। इस दौरान बैठक में धर्मेंद्र सिंह आर्य, राधा कृष्ण एडवोकेट, नीरज पंडित, जितेंद्र चौधरी, चंद्रपाल सिंह, धर्म सिंह, बहादुर सिंह, निरंजन सिंह, ओमकार प्रकाश, भीमसेन, बाबू सिंह पानी वाले, बदन सिंह जादौन पिसावा वाले और बच्चों सिंह जादौन पाली वाले, श्याम सुंदर, शिवचरण, अमरचंद, राजेंद्र, प्रेम गौतम, शेरपाल यदुवंदी आदि उपस्थित लोगों ने अपने अपने विचार बीच बीच में देने जाते थे। माननीय डीएम साहब आए थे उस दिन यहाँ, हमसे बोले प्रेस अड्डे के भाई ये धरना बंद कर दो। पहले वो दुनिया भर की कहते रहे कि वो चलवाएंगे, ये चलवाएंगे। मिलके जी पिछली सरकार में भी माननीय मुख्यमंत्री जी जो पिछली सरकार में अखिलेश जी थे, उनके जो है आश्वासन पे धरना बंद हुआ था। यहाँ के लोग आ जाए हमारे बीच में, हम धरना बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि भाई किसान गर्मी में मर जाएंगे, इतनी गर्मी पड़ रही है। मैंने कहा आप किसी खेत में जाके देख लीजिए, आपको ये 40-45 डिग्री टेम्परेचर में भी किसान एक केवल साफी में नजर आएगा आपको, खेत में लगता हुआ पानी लगाता हुआ कोई किसान नहीं मरेगा। आपको बताते हैं कि छाता शुगर मिल 2008 से बंद पड़ी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर किसान भुखमरी के कगार पर है। उसी छाता शुगर मिल को पुनः चालू करवाने के लिए छाता डाक बगला में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले आज यानी रविवार को एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें छाता शुगर मिल को चलवाने के लिए रूपरेखा तैयार की गई। आइए जानते हैं किसानों की राय। दीपक जी, बताएं कि आज जो यहाँ महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, किस उद्देश्य को लेकर के यहाँ पे किया जा रहा है? ये जो आज महापंचायत का डाक बंगला छाता पर जो आयोजन किया जा रहा है, उसके पीछे हमारा सिर्फ एक मकसद है कि वर्षों से 2008 से बंद पड़ी छाता शुगर मिल जो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि मार्च में अनुपूरक बजट आने वाला है सरकार का। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद यानी प्रयागराज ने भी यह आदेश दिया है सरकार को कि शुगर मिल को पुनः चालू करें। तो जनहित को देखते हुए, किसान की पीड़ा को देखते हुए, समझते हुए कि किसान आज दुर्दशा की शिकार हो चुका है, उसके पीछे कई दफ़े आंदोलन भी हुए हैं। अभी दिल्ली में हाल ही में आंदोलन हुआ था, उसमें कर्ज मुक्ति का भी एक अभियान था। हमारा साफ साफ ही सरकार से निवेदन है कि कर्ज तो माफ़ हो ही हो संपूर्ण, उसके साथ साथ आने वाली पीढ़ी के लिए ये किसान की जो आज ये समस्या है, उसके लिए छाता शुगर मिल का चलना नितांत आवश्यक है। क्योंकि ये छाता शुगर मिल का जो मुद्दा है, ये आगरा मंडल की एक छाता शुगर मिल है और उसमें मैं समझता हूँ जो पूरा छाता तहसील है, जो कि हरियाणा
और राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है, दिल्ली के हम इतने नज़दीक हैं, ये बिल्कुल इतनी बुरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। पहले धान ने मारा और इस वक्त गेहूं में नीचे कीट लग चुका है, इस वक्त गेहूं की पैदावार भी बिल्कुल नहीं होगी, तो किसान सिवाय अपने खेत बेचने के अलावा उद्योगपतियों को और कोई चारा नहीं रह जाता है, फिर लूट खसोट ये सारी आपदाएँ बढ़ेंगी। हमारा सरकार से निवेदन है कि वो धार्मिक आयोजनों पर जितना पैसा खर्च कर रही है अनावश्यक रूप से, हम भी धार्मिक हैं, हम भी लोग भी हिंदू हैं, लेकिन हमारा इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमारी रोजी रोटी पर लात मारें। सबसे पहले इसके लिए बजट दें, और बजट देने के बाद में भी 2-3 वर्ष लगेंगे इसको चलने के लिए, क्योंकि जो हालत जो है शुगर मिल की वो इस स्थिति में नहीं है कि 6 महीने में चालू हो जाए, किसी भी प्रकाष्ठा से नहीं चालू हो सकती। सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो सरासर झूठ बोलते हैं, केवल वोटों की राजनीति करते हैं, सिवा वोटों की राजनीति के अलावा अन्य कोई इनका कोई मकसद नहीं है। गाँव गाँव को लड़वाना, भाईचारे में भाईचारा ना बना रहना, छोटे किसान को बड़े किसान से लड़वाना या मजदूरों को लड़वाना, यही सरकार का केवल मकसद है। फूट डालो, राज करो, जो अंग्रेजी की नीति थी वही इस सरकार की नीति है। हमारा सरकार से पुनः निवेदन है, क्योंकि 2019 आने वाला है, अभी चेत आ रहे हैं 2019 आने वाला है, अगर 2019 से पहले मार्च में बजट नहीं दिया तो ऐसा ही हाल होगा जैसे अभी 5 राज्यों में इनका हाल अभी हाल हुआ है, उससे बुरी हालत उत्तर प्रदेश MP के चुनाव में होगी। आज यहाँ पे महापंचायत हो रही है, क्या उद्देश्य है इसका? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनलों को, जो भी संबंधित आप लोग आए हैं किसान की वेदना को कुछ महसूस करते हुए, मैं आपके चैनलों को धन्यवाद देना चाहूँगा, और साथ ही मैं निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनलों के माध्यम से अपने किसान बिरादरी के लिए और साथ ही सरकारों के लिए, चूँकि सरकारें इस चीज़ को देख चुकी हैं और बड़ी गंभीर स्थिति किसान के सामने है, और इन गंभीर स्थितियों में स्थिति ये जा रही है कि हर आधा घंटे बाद किसान की मृत्यु हो रही है, चाहे वो जहर खा करके मर रहा है, चाहे वो किसान फांसी पे झूल करके मर रहा है। तो ऐसी स्थिति में फिर ये महसूस करना चाहिए सरकारों को, चाहे स्टेट की बात करूँगा चाहे मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ, कि ये देखा होगा कि भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर 23 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक हम लोग पैदल चल करके हरिद्वार से पहुँचे थे, तो उसमें ये नहीं था कि हम किसी दिखावा के लिए चले हों, हमें सरकार को ये आगाह करना था कि जैसे हमारा ये मुद्दा है, ये बड़ा मथुरा जनपद का नहीं आगरा मंडल का मुद्दा है, मैं आपके संज्ञान में लाना देना चाहूँगा कि ये जो हमारी शुगर चीनी मिल है छाता की, इस पर बड़े लंबे अरसे से, मतलब विगत कईयों वर्षों से ये आंदोलन होते आए हैं, और बार बार हम आगाह करते रहे सरकारों को कि सरकार किसान के दर्द को पहचानने का काम करे, किसान के दर्द को नहीं पहचानेंगे तो बड़ा बुरा हश्र होगा। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग देख रहे थे, मीडिया इस बात का प्रत्यक्षदर्शी है कि 2 अक्टूबर को गाजियाबाद के बॉर्डर पर जो किसानों के साथ में इतना बर्बरतापूर्वक जो व्यवहार किया गया, लाठियाँ भाजी गईं, गोलियाँ चलाई गईं, आंसू गैस छोड़े गए, ये तमाम चीज़ों के बावजूद भी किसान वहाँ अपनी मांग के लिए पूरी तरह से जूझता रहा और डटा रहा, लेकिन विडम्बना इस बात की है कि सरकार संवेदनशील नहीं हो रही, और संवेदनशील जब तक नहीं हो रही है तब तक किसान का भला नहीं हो सकता। और निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि ये जनपद मथुरा की मांग नहीं है, ये शुगर चीनी मिल के चलाने के लिए ये बड़े लंबे अरसे से आंदोलन चल रहा है, और आगरा मंडल की एकमात्र इकाई है ये, और तमाम आश्वासन सरकारों ने दिए, तमाम आश्वासन नेताओं ने दिए, लेकिन सिवाय वोट मांगने के कुछ करके किसी ने नहीं दिया। अब हमने ये ठाना है, हमने ये तय कर लिया है कि जिस तरह से वो आंदोलन हुआ गाजियाबाद में, जिस तरह से अन्य संगठनों ने भी किसानों ने परेशान होकर के जो आंदोलन किए हैं, वो दिल्ली इसका गवाह है इस बात के लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दर्द को पहचाने, किसान की टीस को पहचाने, किसान बचेगा तो देश बचेगा, किसान बचेगा तो समाज बचेगा, किसान रीढ़ की हड्डी है देश की, और जिस देश और समाज में किसान की कोई सुनवाई ना हो तो फिर निश्चित रूप से उस देश का पतन है। तो मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि सरकार इस पर गौर करे, और यदि किसान के दर्द को पहचानने का काम सरकारों ने नहीं किया, नेताओं ने पहचानने का काम नहीं किया, तो आप देख रहे होंगे मीडिया के माध्यम से कि तमाम किसानों ने अपने अपने गाँव में बोर्ड चस्पा कर दिए हैं कि हमारे गाँव में अमुक व्यक्ति के अमुक नेता के घुसने की जरूरत नहीं है। जब इस तरह की स्थिति सामने आ जाएगी नेताओं के सामने, सरकार के सामने, मैं ये भी कहना चाहूँगा ऐसा नहीं है, भाजपा में हमारी पूर्ण रूप से निष्ठा है और निष्ठा थी, और आपको बहुमत चाहिए था, आपको केंद्र में बहुत बहुमत बना करके दिया, स्टेट में बहुमत बना करके दिया,
लेकिन जो अनदेखी अब हो रही है, आप अपनी योजनाओं को चला रहे हैं लेकिन धरातल पर योजनाएं नहीं चालू हो रही हैं। मैं कहना चाहूंगा आपके इस चैनल के माध्यमों से कि आप गंभीरता से किसानों की तरफ, किसानों के इन समस्याओं की तरफ ध्यान दें, अन्यथा ये आक्रोश है। हम ऐसा नहीं कहेंगे भाजपा से नाराज हैं, लेकिन आक्रोश ही किसान का इस तरह का हो जाता है कि जो 5 स्टेटों में किसान ने जो करके दिखाया है 2019 के चुनाव में, यदि फिर अनदेखी और अनसुनी होती है तो हमें बुराई ना दें। किसान बिरादरी बिल्कुल मृत प्राय हो चुकी है और ऐसी स्थिति में जनपद मथुरा की इस शुगर मिल को चलवाने के लिए सरकार को बहुत जल्दी, हम नहीं इंतजार करेंगे कि 2019 के चुनाव में ये करेंगे वो करेंगे, इसका हमें कोई इंतजार नहीं करना। बहुत जल्दी अविलंब इसकी घोषणा होनी चाहिए और छाता शुगर मिल में काम चालू हो जाना चाहिए, तब तो हम विश्वास कर रहे हैं। अन्यथा की पोजीशन में हम ज़्यादा बार बार क्या कहें, वही हमारे पास में ताकत है कि हम इस तरह का एक आंदोलन करने जा रहे हैं कि हम विवश कर देंगे, बाध्य कर देंगे, और हो सकता है यदि बलिदान की भी जरूरत पड़ती है तो किसान ने ये ठान लिया है कि बलिदान करने में भी नहीं चूकेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जय जवान, जय किसान, जय भारतीय किसान यूनियन।